रामलला के दीवाने हैं ये सात अल्पसंख्यक राम भक्त, जिन्होंने धर्म से परे पेश की राम भक्ति की अनोखी मिसाल। अयोध्या में जब से प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, हर धर्म जाति तबके के लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज हम उन सात अल्पसंख्यक राम भक्तों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने धर्म से परे उठकर राम भक्ति की मिसाल पेश की है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हजारों भक्तों ने पैदल अयोध्या जाने का संकल्प लिया था। उन्हीं में से एक है 20 साल की शबनम शेख, जो मुंबई से 1425 किलोमीटर का सफर तय कर 40 दिन में अयोध्या पहुंची। रामलला की दीवानी शबनम दिलेर भी खूब है। भगवा झंडे को हाथ में लेकर निकली शबनम को रास्ते में विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौलवियों ने उन पर फतवा जारी कर दिया था, लेकिन शबनम न झुकी न डरी और राम भक्ति में लीन रही। कुछ लोग मानते हैं कि राम भक्ति किसी खास समुदाय का विषय है, लेकिन लखनऊ से अयोध्या पैदल यात्रा करने वाले 350 अल्पसंख्यक भक्तों ने उन्हें गलत साबित कर दिया। दरअसल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में करीब 350 अल्पसंख्यक राम भक्त पैदल चलकर और तपस्या करके 6 दिन में लखनऊ से अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। इनका मानना है कि राम हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज ही रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए वीवीआईपी मेहमानों की लिस्ट में डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी का भी नाम था, जिनके खिलाफ राम मंदिर समारोह में जाने के लिए फतवा जारी हो गया। धमकी भरे कॉल आए, लेकिन उनके पास एक ही जवाब था, मैंने प्यार का पैगाम दिया है, कोई गुनाह नहीं किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ उमर अहमद इलियासी कहते हैं कि उनके पूरक हिंदू थे। राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने वाले कैसे राम भक्त, जिन्हें अपनी बिरादरी के ताने और बहिष्कार झेलना पड़ा था, लेकिन वो 31 साल से राम का नाम जप रहे हैं। दरअसल मिर्जापुर के कार सेवक मोहम्मद हबीब 1992 में कार सेवक के रूप में अयोध्या गए थे। उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण और अक्षत भी मिला था। भक्ति करने का अंदाज चाहे अलग अलग हो सकता है, लेकिन आराध्य सबके राम ही है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले जम्मू कश्मीर की एक छात्रा ने रामलला के आगमन की खुशी में हिंदी भजन को ट्रांसलेट कर अपनी पहाड़ी भाषा में गाया। सोशल मीडिया पर वीडियो ने खूब सुर्खियां बटोरी। राम भजन गाने वाली कश्मीरी स्टूडेंट बतुल जहरा मानती है कि श्री राम को उनकी ईमानदारी और न्याय में विश्वास करने के कारण पुरुषोत्तम कहा जाता है। मिर्जापुर जिले के रहने वाले मोहम्मद इस्लाम प्रभु श्री राम के अनोखे भक्त हैं, जिनकी भक्ति परिचय की मोहताज नहीं। इस्लाम पिछले 35 साल से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। पहले वो गांव में अपने साथियों के संग सुंदर कांड पाठ के लिए जाते थे। धीरे धीरे उनकी भक्ति बढ़ती गई। कई लोग उन्हें अब अपने घर में रामचरितमानस पाठ के लिए भी बुलाते हैं। अब उनकी ख्याति देश भर में फैली है। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं। राम का नाम अब सिर्फ देश में नहीं, बल्कि इसकी गूंज सरहद पार इजराइल तक सुनाई दे रही है। इसी तरह एक इजरायली राम भक्त लियोन, जो पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर भगवान धारण कर रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इजरायली राम भक्त लियोन कहते हैं कि राम का नाम उन्हें अयोध्या खींच लाया। इन सात के अलावा राम भक्तों की लिस्ट लंबी है। सदियों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान हुए, तब इनकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब राम भक्ति न सिर्फ एक खास धर्म के लिए रह गया है, बल्कि जाति पंथ मजहब को छोड़ प्रभु राम की भक्ति में लीन हर कोई अयोध्या पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।